जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी एग्जाम के अंदर आने वाले मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मिक्स क्वेश्चनों का एक पेपर, जो आपके आने वाले आर्मी एग्जाम के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आप भी अगर इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वे अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पता करना है कि वो कितना बढ़ाकर अंकित करेगा। तो इस टाइप के सवाल के अंदर एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि क्रय मूल्य इंटू अंकित मूल्य इंटू कमीशन बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य लिखा जाता है, और अब देखो यहाँ क्रय और विक्रय दोनों ही नहीं दे रखा, तो हमें हमेशा क्या मानना है, क्रय मूल्य को 100 मानना है। अब ये कितना बढ़ाकर अंकित करेगा हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स परसेंट, और एक्स परसेंट की बेस हमेशा क्या होती है, 100, और उस पर ये 12% का कमीशन दे देता है, छूट दे देता है। ठीक है, अब देखो 12% की छूट दे रहा है, इसका मतलब वो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 88 रुपये में। ठीक है, 12% कमीशन का मतलब 100 की चीज़ 88 में बिकेगी, तो यहाँ कमीशन हो गया 88/100 बराबर। विक्रय मूल्य क्या होगा, अब देखो इसने कहा कि वे 10% का लाभ कमाना चाहता है, कितना का लाभ, 10% का। तो अब देखो अगर 10% का लाभ है, इसका मतलब जो 100 रुपये की चीज़ है वो कितने में बिकेगी, 110 रुपये में। ठीक है, ये हो गया अपने पास विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखो यहाँ 100 से 100 कट गया, और अब जो बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 × 110/88। अब जो कट रहा है उसको काट दो, सबसे पहले तो देखो 11 से ये 8 बार और ये 1 बार 0 का 0, और अगर हम इसको काटते हैं 2 से तो ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, और 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार, और 25 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 125। देखो x की वैल्यू कितनी आई, 125। ठीक है, अंकित मूल्य वहाँ पर कितना है, 125। अब 125 कब होता है, जब वो 25% बढ़ाकर अंकित करता है, तब 100 रुपये की चीज़ कितने बिकेगी, 125 में। तो जो इसने बढ़ाया वो कितना है, 125 में से 100 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास, 25% वो बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। ठीक है, इसने कहा कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की बढ़ोतरी कर दे, तो सबसे पहले हमें जो पहला वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या को हमें क्या मान के चलना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ठीक है, तो यहाँ पाई को हम पाई रहने देते हैं। ठीक है, और रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 100π। ठीक है, अब इसने इसकी रेडियस को 50% बढ़ा दिया, तो अगर हम 10 का 50% निकालते हैं, 10 × 50/100, ठीक है, तो यहाँ पर 20 से ये 20 कट गया, क्या बचा अपने पास, 5 सेंटीमीटर। तो 10 का जो 50% वो कितना होता है, 5, तो ये 5 अगर ये बढ़ा दे तो अब नए वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, तब अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही होता है। ठीक है, तो पाई आर 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225π। ठीक है, पाई रहने दो है। अब देखो पुराना क्षेत्रफल कितना था, 100π, और नया कितना आया, 225π। तो देखो वृद्धि कितनी हुई है, 125π की। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो देखो ये जो वृद्धि हुई है, ठीक है, वैसे आप इसका आंसर यहीं भी पता चल रहा है, क्योंकि वृद्धि जो है वो 125% की होगी, क्योंकि हमने बेस ऑलरेडी 100 मान रखा है। वैसे निकाल भी सकते हैं, जैसे 100 पर 125 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो परसेंटेज भी 125% ही आएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखो राकेश और योगेश, ठीक है, जिनकी आयु का रेशियो है 4:3, तो हम इसकी आयु को 4 मान लेते हैं, 4x, और इसको 3x मान लेते हैं। अब इसने कहा इनकी आयु का योग, योग का मतलब अगर हम दोनों को जोड़ते तो कितना आना चाहिए, 28। अब अगर इसको सरल करते तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, देखो 4x और 3x होता है
सात एक्स बराबर 28 और 7 से 28 कटता है चार बार, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। अब 4 को दोनों से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी राकेश की वर्तमान जो आयु है वो 16 साल है और योगेश की 12 साल है। अब वर्तमान की नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि बताओ 16 साल बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर आज इसकी 16 है राकेश की, तो 16 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी, 16 और 16 32 साल तो राकेश की होगी, और इसमें अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 28 साल किसकी होगी, योगेश की, तो अनुपात क्या हो जाएगा 28:32। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, जैसे 4 से ये 8 बार और 4 से ये 7 बार, तो 16 साल बाद इनके आयु का अनुपात होगा 8:7। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x की शून्य कौन सी है। ठीक है, शून्य मतलब x की वैल्यू हमें पता करनी है, तो देखो अपने पास समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर हम क्या मान के चलते हैं 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आता है x बराबर में एक्स में एक्स स्क्वायर में x का भाग देते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसका एक गुणनखंड तो क्या है अपने पास x माइनस 3 और एक आया अपने पास x बराबर 0, तो x की एक वैल्यू तो होगी 0 और दूसरी हो जाएगी देखो ये माइनस का 3 इधर आएगा तो x बराबर प्लस का 3, यानी x की जो दोनों वैल्यू है वो 0 और प्लस का 3। ऑप्शन नंबर पी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखो एक मीनार है सीधा, ठीक है, और इसके पाद यानी पाद किसको बोलते हैं, इसका जो बेसमेंट है आधार है, ठीक है, आधार से 30 मीटर दूर जो सूर्य का उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो बताओ इस मीनार की हाइट कितनी होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, अपने लाल बट्टा कब का पढ़ाई होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आधार दे रखा है इस त्रिभुज के अंदर और हमें लंब पता करना है, और लंब और आधार किस में आता है, यहाँ से अगर देखते हैं हम साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो टेन के अंदर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखो थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमें पता नहीं है और आधार 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर है। ठीक है, अगर हम टेन 30 की जो ट्रिग्नोमेट्री की सारणी है उसमें टेन 30 की वैल्यू निकालते तो वो आती है 1/√3 बराबर है h/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3h बराबर 30 मीटर और √3 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, तो उस मीनार की जो ऊंचाई वो कितनी है 30√3 मीटर। अब देखो ये ऑप्शन अपने पास नहीं है, तो अब इसका आंसर आगे कैसा आएगा, देखो यहाँ पर दे रखा है 30√3, तो हर का परिमिकरण करना है हमें, क्या करना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब कैसे करते हैं, जो नीचे के जो नंबर दे रखा है उसको अंश और हर दोनों से गुणा कर दो। ठीक है, √3 दे रखा है नीचे, इसको ऊपर और नीचे दोनों से गुणा कर दो। ठीक है, इस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 30 को √3 से गुणा किया तो ये हो गया 30√3 और √3 को √3 से गुणा किया तो सिंपल 3 और 3 से 30 करता है 10 बार, तो जो उस मीनार की ऊंचाई है वो कितनी होगी 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1000 की पावर 9 भाजक 10 की पावर 24 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो घातांक से सवाल है ये, अपने पास दे रखा है 1000 की पावर 9। ठीक है, तो देखो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब की पावर कितनी है 9 भाजक, यहाँ 10 की पावर कितनी है 24। ठीक है, अगर घात के अंदर कोई इस टाइप से क्वेश्चन बने जहाँ पर कोष्टक है तो हमेशा ये नंबर आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 27 भाजक 10 की पावर 24। अब एक चीज़ आपको घातांक में याद रखनी होगी कि अगर कभी भी आधार समान हो तो ये जो घात है वो हमेशा घटती है। ठीक है, भाग के अंदर आधार समान हो तो घाते घटती है और गुणा में अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ती है। तो यहाँ पर 27 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो 10 की घात कितनी बचेगी 3 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1000। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है। देखो यहां पर ए बी सी कितने व्यक्ति है, टोटल 3 व्यक्ति है जिनका जो एवरेज है, ठीक है, इनका जो औसत है
वो है 20 साल। तो इनकी जो कुल उम्र कितनी है, ठीक है, औसत को हमेशा संख्याओं से गुणा करते हैं तो उनका योग आता है, तो उनकी जो टोटल उम्र है, कुल आयु, वो कितनी हो जाएगी, 60 साल। ठीक है, अब इसने कहा कि इसमें से जो ए और बी है, ठीक है, देखो ये ए बी और सी तीनों थे, इसमें से जो ए और बी कितने व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति जिनका औसत 19 है, ठीक है, तो इन दोनों की जो कुल उम्र है वो कितनी हो जाएगी, इनको गुणा कर दो, 19 गुणा 38 साल। अब देखो तीनों की उम्र 60 साल थी और ए बी की 38 साल है, तो बचा कौन, सी, और सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 में से 38 को माइनस कर दो, 22 साल। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक का मूल्य 8400 रुपये है और 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य क्या होगा। देखो बल्ले कितने हैं, बल्ले हैं 24, ठीक है, और हॉकी स्टिक कितनी है, 32, ठीक है, और इन जो दोनों का जो मूल्य है वो कितना है, 8400 रुपये, ठीक है। अब इसने कहा कि 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक की कीमत क्या होगी, ये हमें पता करना है। देखो इस टाइप के सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो यहाँ पर पहले मात्रा ज़्यादा थी, अब मात्रा कम हो गई, यानी मात्रा घटी है। देखो या तो मात्रा घटती है या फिर बढ़ती है, जैसे मान लो सवाल उल्टा दे दे कि 3 बल्ले और 4 हॉकी स्टिक की कीमत 1000 है, तो बताओ 24 बल्ले और 32 हॉकी स्टिक की कीमत क्या होगी, ठीक है। इस दोनों टाइप से क्वेश्चन बनता ही है। देखो अगर मात्राएँ पहले ज़्यादा दे दे और फिर कम दे, तो ध्यान रखना इसमें किसी एक निश्चित संख्या का भाग लगता है, ठीक है। अगर किसी निश्चित संख्या का भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो सवाल नहीं होगा, ठीक है, उसमें डाटा अधूरा है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 में हम किसका भाग देंगे, 3 आए, तो यहाँ 8 का अगर हम भाग देते हैं तो 3 आता है, यानी जो मात्रा है वो 8 गुना कम हुई है। यहाँ भी 32 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो 4 आता है, यानी यहाँ भी मात्रा 8 गुना कम है। तो अगर मात्रा 8 गुना कम हुई है तो कीमत भी 8 गुना ही कम होगी, ठीक है, यानी 8400 में भी हमें 8 का ही भाग देना है। तो 8 × 8 भाग 2 = 0, 8 × 5 = 40, 0 का 0 यानी कितना आएगा, 1050 रुपये, यानी 3 बल्ले और 4 हॉकी स्टिक की कीमत कितनी होगी, 1050। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर इस टाइप से दे रखा होता कि 3 बल्ले और 4 हॉकी स्टिक की कीमत 1050 है, तो बताओ 24 बल्ले और 32 हॉकी स्टिक की कीमत क्या होगी, तो यहाँ मात्रा बढ़ रही है और कितना गुना बढ़ रही है हमें देखना है। जैसे 3 का 8 गुना 24 होता है, 4 का 8 गुना 32 होता है, तो कीमत भी 8 गुना बढ़ जाती है। फिर आंसर क्या आता है इसका, 8400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 72 भाजक 9 का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 से 1/2 बराबर क्या होगा। देखो ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, जो अपने सवाल में कहीं भी नहीं है। उसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या सरल करेंगे इसमें, का, और का को यहाँ लिखते हैं गुणा। अब देखो लिखने से सरल नहीं होता है, सबसे पहले इसको 9 को 1/3 से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये 3 से कटता है 3 बार, और 3 × 1 = 3 होता है, यानी अब सवाल अपने पास क्या बचा, 72 भाजक 3 प्लस 2/3 इंटू 1 से 1/2 क्या होता है, 3/2, ठीक है। देखो 2 × 1 = 2, 3/2। अब क्या होगा अपने पास, डी, ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग करना। तो अगर हम 72 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 24, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब क्या होगा अपने पास, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, क्या बचा अपने पास, सिर्फ यहाँ 1, तो 24 और 1 कितना होता है, 25। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है, ठीक है। ऐसे टोटल कितने नंबर है 3 अंकों के जिसमें 6 का भाग जाता है, ठीक है। तो अब देखो अगर 3 अंकों की संख्या देखते हैं तो सबसे छोटी 100 होती है और सबसे बड़ी 999, ठीक है, ये होती है 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने नंबर है जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। देखो इसको पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें भी 6 का भाग दो और इसमें भी 6 का भाग दो, ठीक है। अगर हम यहाँ 6 का भाग देते हैं तो 6 × 6 बच गया 4, 6 × 36 पूरा 16 बार गया है, और यहाँ अगर हम देते हैं तो 6 × 6 बच गया 3, 6 × 36 बच गया 3, फिर 6 × 36 166 बार जाता है, ठीक है। अब कितनी संख्या है पता करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 166 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 150। तो 150 ऐसे नंबर हैं 3 अंकों के जो 6 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। सी ऑप्शन अपना
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं और इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इनका लघुतम समापवर्तीय कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जो नंबर है इनका रेशियो है 5:6, 5:6, तो इसको हम 5x मानते हैं, इसको 6x मानते हैं, और क्या दे रखा है, महत्तम, जिसको GCF या फिर HCF कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, HCF, और वो कितना है, 4। ठीक है, HCF और GCF दोनों एक ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF दे रखा है 4। अब यहाँ जो HCF दे रखा है तो हमें वापस इनका HCF ही निकालना है। ठीक है, और HCF किसका निकालना है हमें, 5x और 6x का। अब HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या आता है, एक्स कॉमन है, 5x और 6x में कॉमन x है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये भी HCF है और ये भी HCF है, मतलब जो x है वो किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 है तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 4 को दोनों से गुणा कर दो, 5x 20 और 5x30। ठीक है, 4x6 24, सॉरी, ठीक है, तो दोनों नंबर क्या है, 20 और 24। अब हमें 20 और 24 का क्या पता करना है, लघुतम। ठीक है, LCM पता करना है। ठीक है, LCM निकाल सकते हैं दोनों का एक साथ, 2 का भाग यहाँ 10 और यहाँ 12, फिर 2 का 5 और 6, फिर 2 का 5 और 3, फिर 3 का जाएगा और एक बार 5 का जाएगा। अब इनको आपस में गुणा करते हैं तो 5 किया 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, तो इन दोनों नंबरों का LCM कितना होगा, 120। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, x का 52% बराबर 182, तो इस x की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर x का मतलब गुणा होता है, 52% का मतलब 52/100 बराबर है 182। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 52x बराबर 100 × 182। ये 52 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, देखो ये 2 से कटता है, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 91। ठीक है, 182 का था 91, अब 2 से नहीं कट रहा है, देखो ये 13 से कट रहा है, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। ठीक है, और 2 से 100 कटता है 50 बार और 50 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 7×5=35, 0 का 0 350। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ पर इसने कहा कि 20 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा। देखो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, क्रय की वैल्यू विक्रय के पास होती है और विक्रय की वैल्यू क्रय के पास होती है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 15 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखो कोई चीज़ अगर आप 15 में खरीद कर 20 में बेचते हो तो आपको लाभ होगा, और कितने का लाभ होगा, 5 का। अब ये जो 5 का लाभ है वो किस पर हुआ है, 15 पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है लाभ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 पर लाभ हुआ है इसको 5 का, निकालना है प्रतिशत, तो 100 पर कितने का होगा, x का, वज़र गुणा कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा 100 × 5/15। ठीक है, 5 से 15 तीन बार और 100 में 3 का भाग जाता है, 3×3=9, फिर 1 बज गया 3×3=9, 1 बज गया 1/3%, यानी 33 से ही 1/3% का इसको लाभ होगा। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि 15 गिलास का मूल्य 198 है तो 25 गिलास का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो गिलास कितनी है, 15, और मूल्य कितना दे रखा है इनका, 198। ठीक है, तो बताओ 25 गिलास की कीमत क्या होगी, x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15x बराबर 25×198, और 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से ये 3 बार और ये 5 बार, और 3 का भाग 198 में जाता है, 3×6=18, 1 बज गया 3×6=18, 66 बार, और 66 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं, 66×5=330, तो 25 ग्लास की कीमत कितनी होगी, 330 रुपये। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक सी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ठीक है, देखो ये परसेंटेज में सवाल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर बी। ठीक है, तो हम
देखो यहाँ पर इसने कहा कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, मतलब जो है बी जो है वो ए से 60% समय कम लेता है, ठीक है। कार्यकुशल का मतलब है कि जो ए के द्वारा लिया गया समय बी के द्वारा लिए गए समय से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना परसेंट अधिक है, 60% कौन, बी, किससे, ए से, ठीक है। यहाँ पर 60% अधिक कार्यकुशल है, हम बी को 100 मान लेते हैं प्रतिशत में है, तो ए से कितना ज़्यादा समय लेगा, 160 दिन लेगा, ठीक है, इस तरीके से मान के चलते हैं। अब बहुत सारे कमेंट करेंगे कि कार्य क्षमता तो बी की अच्छी है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिसकी कार्य क्षमता अच्छी होती है वो हमेशा समय कम लेता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। कम समय में काम करेगा तभी उसकी कार्य क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि ए 12 दिन में करता है, तो ए के नीचे 12 दिन लिख दो, तो बी कितने दिन में करेगा, एक्स, वजर गुणा कर दो इसको, ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा 12 × 100/160, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले तो 10 से 10 कट गया, 4 × 16 और 4 × 12, ठीक है, और 2 से काटते तो ये 2 और ये 5, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, 15 में 2 का भाग देते हैं तो 7 से 1/2, यानी 7.5 दिन के अंदर बी उस काम को फिनिश कर देगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कि यदि ए 12 दिन में करता है और बी 7 से 1/2 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।